ठीक है, वेल डन। चलो, वी आर डिस्कसिंग द लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। व्हाट इज लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम? लॉन्ग क्यूटी मींस द दिस पर्सन विल इंक्रीज, दैट इज रिप्रोडक्शन गेट समवर प्रोलॉन्ग। ठीक है, इट हैज मेनी रीजंस क्यों होता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाए, मायोकार्डियल इंफेक्शन, बहुत सारे कारण है। उसमें जो मेन कारण है वो क्या है, कंजनाइटल भी हो सकता है। मेन कारण क्या है, जो 8 जीन्स, लगभग 8 जीन्स में म्यूटेशन होने के कारण ये लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम हमको देखने को मिल सकता है। 8 जीन्स, एंड दैट ऑल द 8 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। ओके, इस जो 8 जीन्स है इसमें लगभग 6 जीन क्या करता है, के प्लस चैनल के फंक्शन को डाउन कर देता है। ओके, के प्लस चैनल को फंक्शन को डाउन करता है। कैसे डाउन करता है, ये जो 6 जीन में म्यूटेशन हो जाए ना, तो एंकाइरिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है। किस प्रोटीन का, एंकाइरिन प्रोटीन का फॉर्मेशन कम कर देता है, जिससे कि क्या होता है, जो के प्लस चैनल साइटोस्केलेटन से जुड़ा हुआ है उसको जोड़ने का काम क्या कर रहा है, एंकाइरिन। द नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग एंकी मींस एंकरेज। ओके, एंकाइरिन प्रोटीन इज प्रोवाइडिंग एंकरेज ऑफ द के प्लस चैनल। के प्लस चैनल साइटोस्केलेटन से प्रॉपरली नहीं जुड़ा रहेगा, जिससे कारण क्या होगा कि इसका फंक्शन डाउन हो जाएगा। तो जो के प्लस का इफ्लक्स हो रहा है ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन, इट विल टेक मोर टाइम बिकॉज के प्लस चैनल्स आर नॉट सो एफिशिएंट, सो इट विल अलाउ द इफ्लक्स ऑफ के प्लस एट अ वेरी स्लो रेट। ओके, सो द रिपोलराइजेशन टाइम विल इंक्रीज। ओके, ठीक है, ध्यान रखना। एंड दिस कैन कॉज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर एरिथमिया, इट कैन ऑल्सो कॉल्ड वेंट्रिकुलर एरिथमिया। Some genes are working what? Some genes increases the function of cardiac Na plus channel. Okay, along with this, so that the depolarization will occur at a faster rate. Okay, and this is direct effect on this QT segment. Okay. So basically you have to remember this 8 gene, 6 gene, K plus channel, carrying protein, you can repolarization time lega, we have to answer. And the other thing is, achha, abhi hum kya padhe, ki SA node se impulse pahunchta hai AV node, AV node se pahunchta hai ventricle, matlab it is a conduction SA node to AV node and then bundle of Fries, then Purkinje fiber. But in Wolff Parkinson syndrome, which in which syndrome, WPW syndrome, okay, we are calling the Wolff Parkinson White syndrome, WPW syndrome. What is the name? Wolff Parkinson White syndrome. Wolff hai park mein, kaisa dikh raha hai Wolff? White, white Wolff is sitting in the park. Okay, Wolff Parkinson White syndrome, sahi hai? Okay, isme kya hota hai, isme mein apna heart hai, theek hai, yahan SA node tha, इस एसए नोड से डायरेक्ट फाइबर निकल के वेंट्रिकल में आ जाता है। एसए नोड से डायरेक्ट फाइबर निकल के कहां जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। और क्या होगा, जो एसए नोड से एवी नोड की तरफ इंपल्स कैरी करता है, यहां पहुंचता है, फिर बंडल ऑफ इसके थ्रू पूरे वेंट्रिकल में स्प्रेड करता है, वो तो अब नहीं होगा, डायरेक्ट इंपल्स जनरेट होगा, डायरेक्ट इट विल रीच टू द वेंट्रिकल एंड इट कैन कॉज द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो व्हाट इज WPW सिंड्रोम इज कॉजिंग, वेंट्रिकुलर tachycardia, simply because it is increasing the ventricular contraction rate, because this impulse which cause ventricular contraction, again the normal impulse which is coming from this side, it will also cause ventricular contraction. And one more thing you can see here, this is coming here, okay, simply know this first. Okay, this is the this bundle is known as bundle of Kent. The new bundle which is formed between the SA node and ventricle is known as bundle of Kent. There are 3 bundles present in between SA node and AV node. Okay, fibers of Wernicke back, Thore, and like this. Okay, but this is abnormal bundle which is formed between the SA node and ventricle, known as bundle of Kent. And the AV nodal pathway is mainly regulated by AMP activated protein kinase. Matlab, ये जो बंडल का फॉर्मेशन होता है ना, वो किससे रिलेटेड होता है, एएमपी एक्टिवेटेड प्रोटीन
काइनेज, दिस विल रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ दिस, एंड इफ देयर इज एनी माल फंक्शनिंग इन दिस प्रोटीन काइनेज देन अनदर बंडल कैन बी फॉर्म. दिस टाइम द बंडल इज नोन एज बंडल ऑफ केंट. हाउ यू विल रिमेंबर? लाइक दिस, वाटर पी वाटर, यू सी वाटर पी वाटर, एंड विच कंपनी ऑफ वाटर? केंट. केंट देता आपको सबसे शुद्ध पानी, याद है ना? तो ये वाटर पी वाटर ड्यू टू केंट, राइट. अच्छा इसमें क्या होगा, देखो जो अपना पीआर सेगमेंट होगा, इसका इफेक्ट हो, इफेक्ट हो, इफेक्ट हो, समझ में अच्छा आएगा. पीआर सेगमेंट क्या होगा अपना, पीआर सेगमेंट विल इंक्रीज. व्हाट वाज पीआर सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग? पीआर सेगमेंट क्या था कि पी मतलब क्या था, एट्रियल मतलब, अरे बिना तुम्हारे बता रहे हैं, ठीक पता तुमको भूल गया होगा. ये पी था, क्यू था, आर था, एस था, पीआर सेगमेंट ये है. ये क्या दिखाता है कि जो एट्रियल रिप्रोडक्शन हुआ, मतलब द टाइम टेकन फ्रॉम द मतलब एट्रिया से जो वेंट्रिकल जो इंपल्स पहुंच रहा है उसमें कितना टाइम लग रहा है. आप तो हम डायरेक्ट पहुंचा दे रहे हैं ना एट्रिया से वेंट्रिकल, यानी कि दिस हैज रिड्यूस द पीआर सेगमेंट, पीआर सेगमेंट कम हो गया. अगेन आई हैव एक्सप्लेन यू द दैट इफ द इंपल्स विल स्प्रेड थ्रू वेंट्रिकुलर मास देन इट विल हैव क्यूआरएक्स लेंथनिंग, बिकॉज वेंट्रिकल मास जो वेंट्रिकुलर मसल है वो कंडक्ट स्मॉल रेट से करता है इन कंपैरिजन टू परकिंजे फाइबर. यदि परकिंजे फाइबर के थ्रू इंपल्स आया होता तो वेंट्रिकल में ज्यादा तेजी से कम कंडक्ट करता, क्योंकि ये वेंट्रिकल मास के थ्रू वेंट्रिकुलर मसल के थ्रू ये इंपल्स कैरी कर रहा है, इसलिए इसका रेट क्या होगा, स्लो होगा. तो पीआर सेगमेंट तो कम होगा लेकिन क्यूआरएस क्या हो जाएगा, वाइडेंस. ओके एंड दिस पॉइंट इन द ईसीजी इज नोन एज जे पॉइंट. You must remember this is J point, and you say this PJ segment will remain normal. Okay, please see, don't write QRS wider, but PJ segment is normal. Say why? Because PR segment is decreasing, but QRS is widening. Okay, that's it. Then compensate, and this can cause normal PJ segment. Okay, this much you have to remember about WPW syndrome. Okay. Due to mutation in AMP activated protein kinase, which is responsible for normal formation of the A bundle. हम लोग क्या डिस्कस किए इसमें, क्या होता है वो डिस्कस किए, फिर इसमें किसके कारण होता है AMP activated protein kinase के mutation के कारण होता है, और फिर इसका इफेक्ट क्या है, पीआर सेगमेंट कम, क्यूआरएस वाइड, जिसके कारण जो पीजे सेगमेंट वो क्या रहेगा अपना नॉर्मल रहेगा. ठीक है, ओके, आर यू गेटिंग और नॉट? ओके, गेटिंग, वेरी नाइस. लेट्स डिस्कस द अनदर सिंड्रोम, द लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे. लास्ट क्या अपना LGL syndrome, Long Denom Levin syndrome. Long, the name of books itself, Long Denom Levin syndrome. Okay, it is in short pronounced as LGL syndrome. What is it pronounced as? LGL syndrome. In this syndrome, what will occur? A new bundle is formed, which conducts from SNO2 directly to Purkinje fiber. Okay, this time this is atria ventricle. This is the start of Purkinje fiber. SNO. इस पर क्या होगा? SNO से फाइबर बन जाएगा किसके लिए भाई? Purkinje fiber के लिए. तो इस पर क्या होगा? QRS क्या होगा अपना? मुकेश से in LGL syndrome the QRS duration will be Why increasing? No, QR decreases. Why decreasing? Because the rate is increasing. Why? Contracting is faster. Because Purkinje fiber is contract faster. Okay, in normal conduction, who will conduct impulse in ventricle? In normal conduction. Normal conduction, ventricle. No, in normal conduction, who is carrying the impulse of the atria and is spreading to the ventricle? Bundle of fields and Purkinje fiber. Yes. In this syndrome, who is conducting the impulse to the ventricle? The extra bundle of fibers. Bundle of fibers and Purkinje fiber. Yes.
So in normal conduction, bundle of his and Purkinje fiber. In this conduction, bundle of his and Purkinje fiber. So QR situation will be normal, no problem. But PR segment will. PR segment what indicates it? It indicates the time duration between the conduction of the impulse from atrium to ventricle. It has a rate used to the formation of this extra bundle. It is directly conducting the impulse here. So PR segment will get reduced. So PJ segment will get reduced. Okay. This is the basic difference between LGL and WPW syndrome. Getting okay or not? Yes. This is the today discussion. Okay. One question.